ಮೊಹರಂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಹು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. सबसे पहले मैं बताऊं, आज फेस्टिवल नहीं है, ये कमेमोरेशन है विसाले पैगंबर के बाद, विसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के बाद मज़हब इस्लाम के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप आया, वो ग्रुप का नाम और लीडरशिप यजीद के पास रही। जब से यजीद अपनी टेररिज आइडियोलॉजी को लेकर मज़हब इस्लाम के अंदर आया, उस ज़माने से लेकर आज तक दुनिया के अंदर टेररिस्ट फैलता गया। जिस जगह इस्लाम के अंदर टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है, उसके बावजूद भी यजीद जैसे इंसान आज भी सिर्फ यजीद मरा है, लेकिन यजीदियत आज भी बाकी है। उसकी वजह से आज दुनिया के अंदर बिलखसूस मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है। वो बेचैनी ये है कि इस्लाम के अंदर कभी भी जो टेररिस्ट कहलाते हैं वो है ही नहीं है। हमारे मज़हब को, मज़हब इस्लाम को टेररिस्ट का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। उसी तरीके से ये शुरुआत हुई यजीद के तरफ से, जब इमाम हुसैन, आज का दिन योम आशूर है, उर्दू में उसको आशूर को कहते हैं कि दसवां दिन हमारे ये मुहर्रम का, दसवें दिन के अंदर यजीद ने फैमिली मोहम्मद को, यानी उनके नवासे रसूल को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान के अंदर टेररिस्ट तरीके से उनकी बैयत लेने की कोशिश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा जैसा इंसान, मैं जैसा इंसान
ऐसे गलत इंसान के साथ कभी बैयत नहीं कर सकता। और दूसरी, हमारे पास मालूम होना चाहिए, हमारे पास शहंशाहियत मजहब इस्लाम में नहीं है, हमारे पास हुकूमत जैसा जमहूरियत है, हमारे पास शहंशाहियत कभी हो ही नहीं सकती। जिस दिन से शहंशाहियत मजहब इस्लाम के अंदर